हेलो दोस्तों, क्राइस्ट द रिडीमर के बारे में कुछ इंटरेस्ट फैक्ट। नंबर एक, क्राइस्ट द रिडीमर ईसा मसीह की एक प्रतिमा है जिसे विश्व के 7 अजूबों में गिना जाता है, पर उसे यह दर्जा 2007 को दिया गया था। नंबर दो, क्राइस्ट द रिडीमर को रियो जेनेरो और ब्राजील का प्रतीक माना जाता है। नंबर तीन, इस प्रतिमा को दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट डेको स्टैचू माना जाता है जिसकी लंबाई 30 फीट और चौड़ाई 98 फीट है। नंबर चार, इस प्रतिमा को बनाने के लिए लगभग 9 वर्ष का समय लगा था। इसका निर्माण 1922 से 1931 तक चला और 12 अक्टूबर 1931 को इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया। नंबर पांच, इस प्रतिमा का वजन लगभग 635 टन है जिसे कंक्रीट और सोप स्टोन से बनाया गया है। नंबर छह, 2008 में आसमानी बिजली गिरने से इस प्रतिमा की आंख, सिर और उंगलियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। नंबर सात, इस प्रतिमा को बनाने के लिए स्वीडन से पत्थरों को लाया गया था। नंबर आठ, कैथोलिक समुदाय ने इस प्रतिमा को बनाने के लिए पैसा दिया था और इस प्रतिमा को बनाने के लिए करीब $2.5 लाख की लागत आई थी। नंबर नौ, क्राइस्ट द रिडीमर ईसा मसीह की विश्व में 5वीं सबसे बड़ी प्रतिमा है। नंबर दस, रात के समय प्रतिमा के पास LED लाइट जलाई जाती है ताकि प्रतिमा को दूर से भी देखा जा सके।